पास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस मामले में काफी लंबा वक्त गुजर चुका है। बीते अगस्त महीने की 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसमें एक खास वाकया भी आपको याद करना होगा, वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ा है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। उस समय देश के पीएम नरसिम्हा राव थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस को 25 साल गुजर चुके हैं। एक लंबा अरसा हो चुका है, एक पीढ़ी जवान हो गई, एक राजनीति का दौर भी पूरा हो गया। बाबरी विध्वंस के बाद हिंदी और अंग्रेजी के तमाम बड़े अखबारों ने उस घटना को प्रमुखता से शब्दों में उतार कर पाठकों के सामने रखा था। बाबरी विध्वंस और उससे पहले की प्रमुख घटनाओं को भी अखबारों में जगह दी गई। बड़ी बात यह है कि फरवरी 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने के आदेश दिए थे। इस खबर ने अखबार की सुर्खियां बटोरी और इसके बाद ही विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया था। दूसरी तरफ नवंबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से थोड़ी दूर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। ये खबर भी अखबारों की सुर्खियों में थी। दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया तो अखबारों ने फ्रंट पेज से लेकर संपादकीय तक में इस घटना को जगह दी। एक अखबार ने 6 दिसंबर तक की अयोध्या दिन दिन चढ़ते तेवर के साथ उस वक्त की अयोध्या नगरी के तेवर पर फोटो कैप्शन लिखा था। वहीं कार सेवकों को घेरने की खबर भी प्रकाशित की गई थी। इस खबर में सारी घटनाओं का आंखों देखा हाल कैद किया गया था। मस्जिद विध्वंस के पहले और बाद के हालात को अखबारों में प्रमुखता से जगह दी गई। मस्जिद विध्वंस की घटना को हिंदी समेत अंग्रेजी अखबार ने फ्रंट पेज पर जगह दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस और केंद्र सरकार के कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की खबर हेडलाइन बनी। पूरी घटना का ब्यौरा भी दिया गया। दूसरे अखबारों ने घटना को लेकर कई कॉलम में तस्वीरों के साथ न्यूज प्रकाशित किया। मस्जिद विध्वंस के बाद आंदोलन से जुड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें भी प्रकाशित की गई। खास बात ये रही कि अखबारों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश के हालात को लेकर भी आर्टिकल पब्लिश किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कई घटनाओं ने अखबारों की सुर्खियां बटोरी। एक लंबा वक्त बीत गया, मामला सर्वोच्च अदालत में भी पहुंचा। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया गया। सरकार को मंदिर निर्माण के लिए 3 माह के भीतर ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया गया। सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया। बीते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस बीच बाबरी विध्वंस का मामला कोर्ट में चलता रहा। विशेष सीबीआई अदालत ने 2 सितंबर 2020 को सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित रख लिया। 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में अभियुक्त लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी रितंभरा सहित 32 आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में वैसे तो 49 अभियुक्त थे, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।